अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी, फाइनली मुझे मेरा जो है वो पार्सल रिसीव हो गया था, जो कि ऑर्डर किए हुए मुझे 1 मंथ हो चुका था। ऑर्डर पे बनवाई थी मैंने अपने जो है 4 फंक्शंस के लिए ज्वेलरी। तो उसके लिए जो है उन्होंने मिनिमम जो टाइम मांगा था वो 1 मंथ का था। तो बस अभी जैसे ही पार्सल आया तो मैंने कहा मैं वीडियो शूट कर लूँ। मैं जो है पहले मैंने कहा कि पार्सल ओपन कर लेती हूँ, चारों सेट्स निकाल लेती हूँ बाहर, देन आपको शो करके दिखाती हूँ। सबसे पहले जो है ये मैंने मेहंदी का सेट लिया है, उसमें जो है ये मैंने पेयर्स लिए हैं गजराज के। तो ये जो है मैंने जो है पिंटरेस्ट से देख के पिक्चर सेंड की थी उन्हें, तो उन्होंने उसी तरह के मुझे जो है सेंड किया है। तो जो है ये सबसे पहले मैंने आपको शो कर दिया है फ्लोरल गजरास। इसके बाद जो है ये मैंने इयररिंग्स ओपन कर लिए हैं। ये मैंने कुछ इस टाइप के इयररिंग्स कस्टमाइज़ करवाए थे और मैंने जो है ये खुद फ्लावर्स जो है मल्टी कलर्स में लगवाए हैं, क्योंकि मेरे जो है वो लहंगा चोली जो है वो इसी तरह से है मल्टी कलर्स में। साथ ही मैंने इयररिंग भी कस्टमाइज़ करवा ली थी इसी तरह से, और ये जो है मैंने बना ली थी माथा पट्टी। और इसकी जो ईयर्स पे लगाने वाली जो थी लाइनिंग वो मैंने ज़्यादा रखवाई है। इसके बाद जो है जी आ जाते हैं बारात वाले सेट पे। वो मैंने बनवाया था जी गोल्डन कलर में, कस्टमाइज़ करवाया है इसकी ये ईयरिंग्स और ये कुछ इस टाइप की हैं। इसके बाद जो है इसके नेकलेस मैंने बनवाया था। बारात के जो है वो मैंने सिंपल से रखी है ज्वेलरी, क्योंकि मेरे भाई का शादी का फंक्शन है तो मुझे फिर सिंपल सा ही रहना था। और ये साथ जो है मैंने टिक्का भी कस्टमाइज़ करवा लिया था। इसके बाद ये चलते हैं नेक्स्ट अपने सेट पे। ये मैंने निकाह का सेट कस्टमाइज़ करवाया था और ये जो है मेरा स्काई एंड पिंक कलर के शेड में था, और ये बहुत ही खूबसूरत बनी थी सारी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा। और इस तरह से कुछ इसके रिंग्स थे और इसके पर्ल्स लगे हुए थे और ये बहुत अच्छे लग रहे थे। ये रियल में बहुत प्यारी लग रही थी, कैमरा मेरे इतने अच्छे से शो नहीं कर पा रहा, तो बहुत ही ज़्यादा वर्थ बैंक थी ये। और ये फिर इसके बाद जो है मैंने वलीमे की जो है ज्वेलरी निकाल ली थी। ये जो है मैंने इसके हैवी जो है ईयर रिंग्स बनवाए थे, क्योंकि मैंने साड़ी स्टिच करवाई थी उसके साथ जो है वो मैंने इस टाइप के जो है वो ईयर रिंग्स बनवाए हैं। एंड देन इसी तरह का जो है मैंने इसका नेकलेस भी जो है वो कस्टमाइज़ करवा लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। और उसके बाद जो है मैंने चेक किया तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो जी मेरे से तो ये फुली रिकमेंडेड है पेज, और इनकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग भी है इंस्टा पे। तो ये जो है मैंने ये ऑर्डर जो किया था ये किए तो वर्सम जो है कलेक्शन इनसे किया था, और ये जो है बहुत वर्थ बाइंग रही हैं और बहुत अच्छी हैं। जैसे आप इनको बताएंगे वैसे ही बिल्कुल ये आपको बना कर देंगी, और ऐसे ही आपको बिल्कुल जिस तरह से कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं अपने फंक्शंस के लिए आप ज्वेलरी बिल्कुल वैसे ही बना देंगी, और जितने डेज इनको बताएंगी उससे पहले जो है ये आपको भिजवा देंगी, और विद इन 1 डे जो है ये डिलीवरी कर देंगी। तो जब तक मेरे पास डिलीवरी नहीं पहुँची, ये पार्सल नहीं पहुँचा, मैं से ये पूछती रही हैं, और बहुत अच्छा रहा है मेरे साथ एक्सपीरियंस। तो जी बस मैंने कहा अब आपको जो ओवरऑल रिव्यू दे दूँ, फुल ज्वेलरी दिखा दूँ आपको। और मैं ये वीडियो शूट कर रही थी उनके पेज के रिव्यू के लिए। तो आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।